साथियों, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर किसी से मिलने वाला है तो वो है पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान। मुझे खुशी है कि आज देश के सभी राज्य और केंद्र शासित हमारी इकाइयां सबके सब इससे जुड़ चुके हैं और लगभग सभी विभाग एक साथ काम करना शुरू कर चुके हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारियां, उसका एक बहुत बड़ा डेटाबेस तैयार हो चुका है। आपको यह जानकर के हैरानी होगी साथियों कि आज केंद्र और राज्य सरकारों से करीब करीब 1500 लेयर्स यानी 1500 लेयर्स की मैं डेटा पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर आ रहा है। कहां कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कहां फॉरेस्ट लैंड है, कहां डिफेंस लैंड है, इस तरह की सारी जानकारी एक सिंगल जगह पर आने लगी है। इससे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग बेहतर हुई है, क्लियरेंसेस तेज हुई है और जो बाद में समस्याएं ध्यान में आती थी उसका समस्याओं का समाधान कागज पर ही पहले से पक्का हो जाता है। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो गैप्स होते थे वो भी पीएम गतिशक्ति की वजह से तेजी से दूर हो रहे हैं। मुझे याद है देश में पहले किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बिना सोचे समझे घोषित करने और उन्हें दशकों तक लटकाए रखने की परंपरा रही थी, इसका बहुत बड़ा नुकसान देश के लॉजिस्टिक्स सेक्टर ने उठाया है। और ये जब लॉजिस्टिक पॉलिसी की बात मैं कर रहा हूं उसका एक मानवीय चेहरा भी है जी। हम इन व्यवस्थाओं को ढंग से चलाएं तो किसी भी ट्रक ड्राइवर को रात को बाहर सोना नहीं पड़ेगा, वो अपनी ड्यूटी करके रात को घर आ सकता है, रात को सो सकता है। ये सारा प्लानिंग व्यवस्था सब आसानी से की जा सकती है और ये कितनी बड़ी सेवा होगी। मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये पॉलिसी अपने आप में देश के सोचने के पूरे तरीके को बदलने का सामर्थ्य रखती है। साथियों, गतिशक्ति और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी मिलकर अब देश को एक नई कार्य संस्कृति की तरफ ले जा रहे हैं। हाल ही में स्वीकृत गतिशक्ति विश्वविद्यालय, यानी हमने इसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम भी साथ साथ किया है। पॉलिसी तो अब आज ला रहे हैं। गतिशक्ति विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से जो टैलेंट निकलेगा उससे भी इसे बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है।